ये जो है कुसई बिन किलाब बिन मुरा के जमाने में, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का जिसमें का शुमार होता है, ये सबसे पहले शख्स थे जिसने कुरैश को दोबारा से जो है मुनज़म किया और काबतुल्लाह के आसपास जो है घर बनाने का हुक्म दिया। उससे पहले कुरैश जो है सारे शिआब में रहते थे। शिआब का क्या मतलब है, जैसे ये दो पहाड़ों के दरमियान छोटी सी शेब है, जिस तरह शेब बनी अभी तालिब वगैरह भी मशहूर है, उसके हवाले से आपको अलग व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। तो शेब जो है मतलब इस तरह जो है कैंपों में, जो कैंप होते हैं, खेमे होते हैं, उनमें रहा करते थे कुरैश। तो कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा ने कुरैश को कहा था कि आप सब निकले और काबतुल्लाह बैतुल्लाह के आसपास जो है अपने घर तामीर करें। तो ये सबसे पहले शख्स थे जिसने बैतुल्लाह के आसपास घर बनाए, और उसके अलावा जो है पूरा मक्का आप देख सकते हैं इसके ज़माने में जो है कुसई बिन किलाब के ज़माने में बिल्कुल फुल हो गया था। और इसी तरह जो है ये कहते हैं सबसे पहला शख्स है जिसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है मक्कतुल मुकर्रमा शहर आबाद किया था, कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा ने। और इसके अलावा उसने जो आर्डर दिया था कि आप जो है घर इस तरह बनाए कि उनकी गलियां जो है सब घरों की गलियां निकल के जो है बिल्कुल काबतुल्लाह तक पहुंचे। तो ये जो है उसकी प्लानिंग थी सबसे पहले कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा की।